हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस उसके और हिंदी के, सभी क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। और ये मैं आपके लिए पीडीएफ बना के लाया हूँ। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, बताऊँगा कहाँ मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान टू ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट से। ठीक है, तो करीब 9000 से अधिक, ये ऑप्शन में होगा, इस 9000 से अधिक परिक्रमा की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है करंट का। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया है। तो इसका नाम क्या चेंज करके रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी इसकी फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताओ। तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी प्रयागराज, जो पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब हो चुका है प्रयागराज। तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से होगा, मैंने सुना है ऑप्शन में इलाहाबाद था, प्रयागराज नहीं था। ठीक है, तो इलाहाबाद लगाओगे। और अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है। तो वो आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इलाहाबाद में है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, मतलब कौन सी है आया होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। इंद्रावती नदी है, मंजीरा, सबरी और मनेर। ठीक है, तो उसमें से आप देख लेना कौन सा ऑप्शन में था, वही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बिहार विधानसभा चुनाव। ये देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है उठा के, 2020 से। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है, मैं कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 19। ठीक है, और आरजेडी को 75। नलिन का पर्यायवाची शब्द क्या है, नलिन का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, देखो पुष्कर भी हो जाएगा, मुंडरीक भी हो जाएगा, कमल, पंकज। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हो उसके हिसाब से आप लगा के आओगे। कांटों पर लेटना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ हो जाएगा बेचैन होना। द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से, ये अगला क्वेश्चन है, कौन जाना जाता है, ये जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सीलोन। ठीक है, आसक्त, अगला क्वेश्चन है, आसक्त का विलोम बताना है आपको। आसक्त, तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ। मैंने एक वीडियो डाल रखी है मॉडर्न हिस्ट्री की, एक से एक घंटे करीब वीडियो है, और पूरी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, और इसके समय वो कौन था, तो करजन था। ठीक है, आगे स्वार्थी का विलोम क्या होगा। तो स्वार्थी का विलोम होगा परार्थी या निस्वार्थ। ठीक है, अगर स्वार्थ पूछा तो निस्वार्थ, और स्वार्थी तो परार्थी। ठीक है, आगे यमुना का पर्यायवाची शब्द। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द काफ़ी सरल पूछ लिया है, सबको पता होगा क्या क्या होगा आपका, जमुना, कालगंगा। ठीक है, जो कृष्णा, जो भी आपको ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से आप लगा के आओगे। कोयल का पर्यायवाची, तो कोयल सबको पता होगा, कोकिला, पिक। ठीक है, कई सारे होते हैं, तो बनप्रिया, तो इस तरह से आप लगा के आओगे। व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट के लिए पार्टनर किसे बनाया गया। तो इसमें किसे बनाया गया,
देखो कई सारी बैंक थी, उसमें जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो जो भी ऑप्शन था उसके हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को करके आना था। इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है सुकुमार सेन। ठीक है, कौन है? सुकुमार सेन। हथनी कुंड बांध कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? हरियाणा में। आगे अगला क्वेश्चन, सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? पोखरण में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इनको डाउन। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। और ये PDF में लिंक दूंगा नीचे, ठीक है, या तो टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, या फिर सिंपली डायरेक्ट दे दूंगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि SSC GD का फुल एनालिसिस कराया जाए, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना के, टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे शॉर्ट वीडियो, मान लो मैंने PDF बना ली पहले, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन PDF की इसी तरह प्रोवाइड करा दी जाए, तो बताना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यदि और वीडियो चाहते हो तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियो बनाऊंगा मैं। यदि आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चाहते हो जैसे एनालिसिस हो उसके तुरंत ऐसी वीडियो आ जाए आपके पास तो बताना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।